नमस्कार, आप देख रहे हैं जूनियर से। मैं हूं आपके साथ स्मृति सा। ये बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। मोबाइल फोन पर महिलाओं के न्यूड और सेमी न्यूड वीडियो शूट करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो की जांच के आधार पर पुलिस को संदेह है कि आरोपियों ने खिड़कियों के गैप और यहां तक कि दरवाजों में छेद कर वीडियो को शूट किया था। सेवरी पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और लैपटॉप जब्त कर लिया है। पुलिस को संदेह है कि इस घटना में अन्य आरोपी भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सतीश धनवेद हरिजन, सर्वनन दंगराज हरिजन और स्टीफन राज मुगरेश नाड़ा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों ने साल 2019 और 2020 में कथित तौर पर अपने क्षेत्रों में कई महिलाओं के न्यूड और सेमी न्यूड वीडियो शूट किए, जिनके ज्यादातर घर सीमेंट से बने हुए हैं। यह घटना 28 अगस्त को दोस्तों के एक ग्रुप के बीच हुई झगड़े के बाद सामने आई और उस रैकेट का पर्दाफाश हो गया, जहां यह युवा पीड़ितों के घरों में छेद के माध्यम से महिलाओं के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन पर खुली खिड़कियों, दरवाजों में दरार या छत के छेद से महिलाओं की तस्वीरें खींची और वीडियो शूट किया। छेद का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने महिला के नहाते और कपड़े बदलते समय वीडियो रिकॉर्ड किए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब तक इस मामले में 3 से 4 पीड़ित सामने आई है। यह घटना तब सामने आई जब एक आरोपी को पता चला कि उसका निजी वीडियो भी इलाके के किसी अन्य व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके बीच कहासुनी हो गई। तभी लोगों को उनकी हरकत के बारे में पता चला और उन्होंने 28 अगस्त को पुलिस से संपर्क किया, लेकिन कोई भी शिकायत दर्ज कराने को तैयार नहीं था। इसलिए पुलिस ने मामले की जांच की और जब कुछ महिलाओं ने आगे आकर आरोपियों के खिलाफ बयान दर्ज किए तो गुरुवार को ITF समेत IPC की धारा 354C, 292 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एच न्यूज।